हेल्थ मॉम शेफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चित्रा मित्तल आज आपके लिए लेकर आई हूँ रेगुलर खाई जाने वाली सब्जी आलू बैंगन की सब्जी। तो देखिए मैं इसे किस तरह से अपने स्टाइल में बनाती हूँ। तो आइए इस जायके की सफर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए आलू और बैंगन जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें हमने आलू ले लिए हैं जो थोड़े लंबे भाग में हमने काट दिए हैं, उसको पहले काट के पानी में डाल दिया था ताकि आलू काले ना पड़े। हमने बैंगन लिया है जिसको हमने नॉर्मल बड़ी पीसेस में काटा है, बहुत छोटा नहीं काटा है क्योंकि पकने के बाद मेल्ट हो जल्दी से हो जाता है, ताकि हमें आलू के साथ साथ बैंगन की भी पीसेस सब्जी में नजर आए, इसलिए इसको बड़ा बड़ा काट कर रख लिया है। उसके साथ ही हमने एक प्याज, दो तीन हरी मिर्च और तीन लहसुन की कलियां काटकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक कढ़ाई ले ली है, अब हम गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैं सरसों के तेल का प्रयोग कर रही हूँ, आपको जो तेल पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने 3 से 4 स्पून तेल डाल लिया है क्योंकि ये सरसों का तेल है तो इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद क्योंकि इसमें थोड़ा कसैलापन होता है, गर्म होने से वो जितना ये बॉईल होगा, गर्म होगा तो कसैलापन निकल जाएगा। उसके बाद 1 मिनट के लिए गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें से भाप उठने लगी है, तो इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म है। और आप देख सकते हैं इसका जो येलो कलर था मस्टर्ड ऑयल का, वो लगभग खत्म हो चुका है। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई रिफाइंड ऑयल हो। तो इसके आगे का प्रोसेस अभी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे। देखिए तेल कितना गर्म था, जीरा चला गया, आलू डाल देंगे। आप देख सकते हैं गैस बिल्कुल बंद है। अब हम इसी स्टेज पर आलूओं को अच्छे से तेल में फ्राई होने देंगे। गैस को ऑन कर देंगे, लो मीडियम फ्लेम रखेंगे और आलूओं को धीरे धीरे चलाते हुए इन्हें ब्राउन होने देंगे। सबसे पहले आलू इसलिए डाले हैं क्योंकि आलू को पकने में बैंगन से ज़्यादा टाइम लगता है। बैंगन को पकने के लिए कम टाइम लगता है, तो बैंगन हम जब ऑलमोस्ट आलू आधे पक जाएंगे उस स्टेज पर ऐड करेंगे। अभी हम आलूओं को तेल में फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, बीच बीच में आलूओं को हम चलाते रहेंगे। इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। फ्रेंड्स, अब हम आलूओं को उघाड़ के देखेंगे, ढक्कन हटाएंगे, आलूओं को चलाएंगे। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से फ्राई होने शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, हम इस तरह से सब्जी बनाते हैं तो ये आलूओं में जो क्रिस्प आता है और बैंगन में, वो बहुत 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 टेस्टी लगते हैं। अभी हम इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढकेंगे और इसी तेल में आलू फ्राई होंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारे आलू का कितना सुंदर कलर आ चुका है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम फ्राई फ्राई फ्रेंच फ्राइज जैसे ऑलमोस्ट। और इसको हम दबा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ कुक हो चुके हैं, ये देखिए। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इसको चलाने के बाद आलू बैंगन को हम ढक देंगे लगभग 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन उठाकर देखेंगे हमारी सब्जी कैसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कढ़ाई काफ़ी भरी हुई लग रही थी, अभी जो बैंगन है थोड़े से श्रिंक हो गए हैं, तेल के अंदर थोड़े पके हैं और थोड़े से ब्राउन भी नजर आ रहे हैं। 2 मिनट के बाद बैंगन थोड़े से पके हुए नजर आ रहे हैं। इसी स्टेज पर अब हम इसमें कटा हुआ प्याज, क्योंकि
हमने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करे हैं अभी, मिर्ची और ये कटा हुआ, ये सब चीजों को मिक्स कर देंगे। बन जाए तो इसी में हमारी प्याज मिर्ची सब भून जाएंगे। अब हम इसको ढक देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे, ये देखिए हमारा प्याज तेल में आलू और बैंगन के साथ थोड़ा फ्राई हो गया है, हरी मिर्च भी। फ्रेंड्स आप इस तरह की सब्जी बनाएंगी, ये फ्राइड आलू बैंगन की सब्जी आपको बहुत 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 पसंद आएगी। ऐसे तेल में फ्राई करके पहले दोनों चीजों को फ्राई करने से जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। आप एक बार जरूर जरूर इस तरह से सब्जी बनाना ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स एक मिनट बाद हम देखेंगे सब्जी काफी श्रिंक हो चुकी है अभी, ऑलमोस्ट आधी रह गई है। उसी स्टेज पर अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक अपना पानी छोड़ेगा और जो रही हुई कसर है वो सब्जी में पूरी हो जाएगी, सब्जी गलेगी। तो हमने इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, अब हम इसको चलाएंगे। अब हम इसको फिर से 1 मिनट के लिए ढक देंगे। फ्रेंड्स अब हम 1 मिनट के बाद सब्जी को उघाड़ के देखेंगे, देखते हैं कितनी गली है, क्या हुआ है। देखिए फ्रेंड्स आलू एकदम गल चुके हैं सब्जी में, बैंगन भी ऑलमोस्ट, ये देखिए। और हमने इस तरह से सब्जी बनाई है इसको फ्राई करके, तो आप देखेंगे कि एक एक बैंगन अलग अलग है, वो कुछ भी मैश नहीं हुआ है। तो इस स्टेज पर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सिर्फ कलर अच्छा आएगा, ये वैसे स्पाइसी नहीं होता। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सब्जी मसाला बस। फ्रेंड्स इसके अलावा हम इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से चला देंगे एक बार। हर चीज में खड़े मसाले और बहुत ज्यादा स्पाइसेस, ज्यादा स्पाइसेस हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो इसमें रेगुलर मसाले ही डालें, उससे भी सब्जी बहुत अच्छी बन जाएगी। और बच्चे भी बहुत ज्यादा खड़े मसाले खाना पसंद नहीं करते, तो इसको इस स्टेज पर 1 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 1 मिनट बाद देखेंगे हमारे मसाले भुने हुए हैं। अब इस स्टेज पर इसमें 2 बड़ी टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे, जो उसको मॉइस्चर भी देगा सब्जी को। बहुत अच्छे से मसाले टमाटर के साथ इसमें फ्राई होंगे और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अभी इस स्टेज पर इसको हम ढकेंगे, इसको बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करेंगे, ताकि हमारे अलग अलग रहे आलू बैंगन प्याज का लच्छा सब अच्छे से नजर आए। फिर से इसको 1 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि टमाटर अपना रंग छोड़े। फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुका है, अब हम सब्जी को वापस उघाड़ के देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर कलर आया है सब्जी का, आलू और बैंगन ने सारी टमाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये ऐसे लिक्विड ही भी नहीं लग रहा है। और हमारे बैंगन, ये देखिए आलू सब अलग नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये देखिए सब गल चुके हैं आलू, ऐसा नहीं है हमने इसमें पानी नहीं डाला था कुछ, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया था तो फ्राई होते होते ही आलू गल गए थे। उसके बाद आधे जब वो गली तो बैंगन डाला, बैंगन भी अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसमें लच्छेदार प्याज हमें अलग से नजर आ रही है। यकीन मानिए फ्रेंड्स बच्चे बड़े सभी को इस तरह से सब्जी बनाएंगे बहुत पसंद आएगी। अब इसमें लास्ट चीज हमें ऐड करनी है, अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे।
कोई मलाई नहीं, कोई कुछ नहीं, देसी घी जो कि इसके टेस्ट को बहुत 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 बढ़ा देगा और जिससे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, इसका टेक्सचर कलर सब बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि देसी घी तो है ही देसी घी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। इसमें अमचूर पाउडर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें दो बड़े टमाटर डाल दिए थे, तो इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि मसाले करी सब एकदम से एब्जॉर्ब हो जाए आपस में। दो मिनट ढकने के बाद गैस बंद कर देंगे, दो मिनट ढककर रख देंगे, फिर हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कितनी स्वादिष्ट बनी है। आप प्लीज़ इस तरह से मेरी रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए, मैं यकीन दिलाती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।